Hello everyone, this question appears in class 6th NCERT chapter of practical geometry. This is fourth question of its exercise 14.2. So the question says that given AB of length 3.9 cm, construct PQ such that the length of PQ is twice that of AB. Verify the measurement. So firstly hum ek line segment draw karenge. By ruler of AB of 3.9 cm. Then construct PQ such that the length of PQ is twice that of AB. So firstly hum ek line draw karenge. Then इस पर एक पॉइंट ले लेंगे P. Then कंपास का पॉइंटर A पर फिक्स करेंगे. Then कंपास को ओपन करेंगे पॉइंट P तक. Then कंपास का पॉइंटर P पर फिक्स करके यहां पर एक आर्क कट करेंगे. सो जगह हमारा पॉइंट X अज्यूम कर लेंगे इसे. बिकॉज हमें PQ ड्रॉ करनी है, PQ की लेंथ होनी चाहिए ट्वाइस ऑफ AP. So, ये तो हो जाएगा हमारा पी एक्स इज इक्वल टू ए बी. देन अगेन कंपास को पॉइंट एक्स पर, कंपास का पॉइंटर एक्स पर फिक्स करेंगे. देन वन मोर अगेन कट करेंगे. सो ये जाएगा हमारे पास पॉइंट क्यू. सो जाएगी लेंथ हमारे पास 3.9 एंड अगेन 3.9 सेंटीमीटर सेंटीमीटर. कंप्लीट पी क्यू जाएगी हमारे पास. देन बाय रूलर इसके पॉइंट जीरो को हम पी पर सेट करेंगे. देन हम क्यू को मैच करेंगे तो क्यू हमारा मिलेगा यहाँ पे 7.8 पर. तो लाइन सेगमेंट पी क्यू की लेंथ जाएगी हमारी 7.8 सेंटीमीटर. थैंक यू.